हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा कुछ पर्टिकुलर पावरफुल टिप्स जो मुझे अंडर कॉन्फिडेंस से एक कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी अचीव करने में हेल्प किया है इन स्ट्रांगली बिलीव। और आप भी इन टिप्सों को फॉलो करके स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। नंबर वन, स्टॉप कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम हजारों लोगों के परफेक्ट लाइफ देखते हैं। कोई वेकेशन पे गया है, कोई फैंसी फैमिली डिनर कर रहा है, एकदम परफेक्ट लाइफ। फिर हम सोचने लगते हैं, यार सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। हम फिर अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हैं, अपने आप को फेलियर भी समझने लगते हैं। बट सच तो ये है कि उनके लाइफ भी उतने हैपनिंग नहीं है जितना वो लोग दिखाते हैं। इनसिक्योरिटी है, उनके भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अनहैप्पीनेस है। सोशल मीडिया के हैप्पी एंड परफेक्ट लाइफ देख के इतना इन्फ्लुएंस मत हो। वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। सोशल मीडिया में लाखों का बैग, मेकअप, ड्रेस, ये सब देख के अपने आप को किसी से कम मत समझो। खुद को आप कंपेयर ना करें। सोशल मीडिया में न्यू ड्रेस, शॉपिंग करना एंड परफेक्ट लाइफस्टाइल देखना नॉर्मल सी बात है। एंड सब अपना हैप्पी लाइफ ही एंड हैप्पी साइड ही शेयर करते हैं। बट कोई ये नहीं शेयर करते कि वो कितने स्ट्रेस में है। कोई अपना इनसिक्योरिटी, जेलसी या फिर कोई अपना डिप्रेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। परफेक्ट दिखने वाले जो कपल है जिसको देख के हम लोग खुश होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आया दिन डिवोर्स हो रहे हैं, क्या हम लोग चाहेंगे कि वैसा लाइफ हम लोग भी जिए? मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, पर मैं कभी किसी और का वीडियो नहीं देखती हूँ। किसी और का वीडियो देखूंगी तो ये सोच में पड़ जाऊंगी कि मेरा वीडियो में इतना व्यूज क्यों नहीं आता, जबकि मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते। तो फिर मैं अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने लगूंगी और जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरा फोकस नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते करते डिमोटिवेट हो जाऊंगी। पता नहीं लोग दिन भर में ना जाने कितना टाइम रील्स में अपना टाइम बिता देता है, इतना अटेंशन रील्स को या फिर सोशल मीडिया को कैसे दे देता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरा लाइफ का रूल्स है, मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखती हूँ जो कुछ वैल्यू नहीं रखते हो, मुझे कुछ मोटिवेट ही नहीं करते हो, ना मुझे कुछ सिखाने, मुझे कुछ नाचना गाना ये सारे कंटेंट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना टाइम पास ये सारे फालतू का चीज़ों से नहीं करती हूँ, मैं वही कंटेंट देखती हूँ जो मुझे कुछ सिखा के जाए, मुझे मोटिवेट कर सके, मुझे फोकस रख सके मेरा काम पे। आज से ही आप अपने ऊपर फोकस करने लगो एंड किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर ना करो। एंड सोशल मीडिया यूज करो तो आपके ऊपर वो कंट्रोल होना चाहिए कि आप कितना यूज करोगे और कितना वैल्यूएबल कंटेंट देख के अपने आप को इंप्रूव करोगे। नेक्स्ट, पुश योर सेल्फ टू डू थिंग दैट स्केरी यू। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो किसी से बात करते हैं तो डरते हैं या फिर अपने वॉच ठीक करने लगते हैं, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज़ देख के थोड़ा सा बिजी कर लेते हैं वो वक्त पे, बिकॉज उसको बात करना है किसी और से, वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसको ये लगता है कि सामने वाला उससे बेटर है या फिर मैं सही से बोल नहीं सकती या फिर बोल नहीं सकता, सामने वाला ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है। बहुत सारा चीज़ ऐसा चलता है जिसके वजह से हम लोग अपने आप को छुपा लेते हैं। आप लोगों को पता है मेरा जबान तुतला जाता है, ये ना जेनेटिक प्रॉब्लम है। मेरा मम्मी को ये प्रॉब्लम है, मुझे भी है। ऐसा नॉर्मली तो मैं बात कर लेती हूँ पर बात करते करते थोड़ा तुतला जाती हूँ, वर्ड थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कितना सारा कमेंट भी आता है कि अरे ये तो सही से बोल नहीं पाती, थोड़ा सा बोलना सीखो, थोड़ा सा इंग्लिश बोलना सीख लो। तो भाई मैं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हूँ, अपना खाती हूँ पीती हूँ और बाप का एक पैसा नहीं है। बिना इतनी सी उम्र में मैंने जितना सक्सेस देखा है ना वो करके दिखाओ, फिर मेरे से बात करो। तो किसी का बोलने पे या फिर अपने आप को छुपा लेना ये कोई सलूशन नहीं है। अपने पर वर्क करना, आपको जिस टाइम लगे कि आप किसी से बात करने से डरते हो उसी टाइम आप अपने आप को पुश करो और अपने मन में बोलो कि मैं कर सकती हूँ, एंड ये कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा। आपको अगर ये लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे जज करेंगे, तो लोगों का मुंह है, 10 लोग है 10 रकम की बातें करेंगे। आपको लोगों का बातों पे नहीं, आपको अपने बातों पे फोकस करना है, अपने लाइफ में फोकस करना है कि आप अपने लाइफ में क्या अच्छा कर रहे हो, क्या अच्छा बोल रहे हो, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो उतने कितना कॉन्फिडेंस है। एक टाइम ऐसा था कि मेरे घर पे कोई भी कजन आता था या फिर कोई भी ऐसा रिश्तेदार आता था, मैं बाथरूम में छुप जाती थी, मैं सामने नहीं प्रेजेंट होती थी, बात नहीं करती थी, मैं इतना साई थी।
और मुझे बोलने में भी डर लगता था। और आज देखो, मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, आप लोगों से मैं कितना कॉन्फिडेंट होकर बात करती हूँ, आप लोगों को मेरा वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया है, अपने डर को मैंने ख़त्म किया है और अपने ऊपर वॉक किया है। और मैंने अपने ऊपर वॉक किया है तो आज जाके उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। मैं एक सक्सेसफुल एक गर्ल हूँ जो अपने पैसे से ज़िंदगी जीती है और अपने पैसे से ए टू जेड करती है। मुझे अपने बाप के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और ये सारी चीज़ करने के लिए आपको गट्स चाहिए होता है, फियरलेस चाहिए होता है, अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होता है। आपको अगर कोई बोले तुम तो ऐसा बोल नहीं सकते हो, तुमको ये चीज़ नहीं आता है, बोलने दो। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आप कैसे अर्न करते हो, आपको पता है कि आप अपने काम पे जगह पे कैसे बात करते हो। सो आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो और अपने ऊपर फोकस करो, ना कि लोगों का बातों पर। नेक्स्ट, यू डोंट नीड प्रूव योर सेल्फ। हम कभी सोचे हैं कि कोई कुछ अगर बोलता है तो हम अपने ऊपर डाउट पहले कर लेते हैं और हम लोग सामने वाले को ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है, या फिर हम जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं, इतना सारा एक्सप्लेन करते हैं क्यों किस लिए। आपको क्या ज़रूरत है किसी को कुछ प्रूव करने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या खा रहे हो, पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। किसी का कुछ बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी आके बोलेगा और उसको प्रूफ करने लग जाओगे वो गलत सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्यों किस लिए। आपको पता है कि आप सही हो, बात वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। आपकी लाइफ है, आपके रूल्स होना चाहिए और आपके लाइफ में आपका ही कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी और का, यहाँ तक आपका फैमिली का भी नहीं। क्योंकि लाइफ आपका है तो कंट्रोल भी आपका होगा। एंड हमेशा याद रखना, आप खुद के लिए ही काफ़ी हो। नेक्स्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने बारे में 7 पॉइंट लिखो जो आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही आप अपने आप को और अच्छे से जान पाओगे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है। जब आपको खुद के अंदर क्वालिटी और टैलेंट पता नहीं होगा तो आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे। फिर आप बोलोगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस फील करने के लिए आपको खुद के लिए भी पता होना ज़रूरी है। हमारे दिमाग में खुद के लिए ही नेगेटिविटी चलती रहती है। मैं मोटी हूँ, काली हूँ, मेरा रंग गोरा क्यों नहीं है, मैं पतली हूँ, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरा नाक अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं लगती हूँ, शादी के लिए लड़का वाला मना कर दिया है, मतलब मेरे अंदर ही कोई कमी है। ये सारे चीज़ अगर सोचेंगे तो कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा। सब कोई परफेक्ट नहीं होता है। पहले ये चीज़ को आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लो और आज से ही 1 घंटा डिसाइड करो खुद के लिए और पॉजिटिव बात करो। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है वो है मिरर टॉक। और आप सबको भी मैं सजेस्ट करूँगी, मिरर में टॉक करो, बातें करो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपका गेन होगा। और सबसे अच्छी बात है, आप जब खुद के साथ पॉजिटिव बात करोगे तो आप अंदर से इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, उससे आपको बाहर में भी लोगों से कॉन्फिडेंस मिलेगा बात करने का। एंड सबसे अच्छी बात है, खुद के साथ बात करना, वक्त गुजारना, पूरा दिन में एटलीस्ट 1 घंटा खुद के साथ आप बात करो। कभी अगर सैड भी फील करो तभी भी मिरर में आके खुद से बात करो। हमेशा याद रखना, मिरर में जो शैडो आपको दिख रहा है वही आपका एंड ऑफ द डे, वही साथ देगा एंड वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। और वो बेस्ट फ्रेंड आप खुद हो। और किसी के सामने भी खुद को डीमोटिवेट एंड खुद को कम समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ डिपेंड। जब आप अपनी छोटी बड़ी हर एक ज़रूरत के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है और आपकी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में होती है। जब आप फाइनेंस डिपेंड खुद के ऊपर होते हो, खुद कुछ पैसा कमाते हो, तो आप कॉन्फिडेंस से कुछ भी डिसीजन खुद के लिए ले सकते हो। आपको बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी जितनी सारी सिस्टर वीडियो देख रही है, अपने लिए खुद पैसा कमाओ
और अपना छोटा बड़ा जो भी रिक्वायरमेंट है खुद फील करो। किसी के सामने डिपेंड मत हो और किसी के सामने बार बार हाथ मत फैलाओ, चाहे आपके मम्मी पापा क्यों ना हो। अब अपने से काम करना शुरू करो। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, आप अपने टैलेंट को ढूंढो और अपने काम पे फोकस करो। और आज मैं वो सारे चीज़ें करती हूँ जो मुझे एक टाइम पे चाहिए था, और अब खुद के दम पे करती हूँ, और सारे सपनों को मैं धीरे धीरे पूरा भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, जस्ट अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने काम पे फोकस करो। खुद को ऐसा मत बनाओ सिर्फ सजना संवरना जानता है, या फिर सिर्फ शॉपिंग करना, या फिर मेकअप तक लिमिटेड मत रखो। सुनो मेरी बात, अभी भी टाइम है, हार्डवर्क करो। आप जो भी फील्ड में हो, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तब ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो अपना CV बनाओ, अच्छे से कोई कंपनी में जॉब ढूंढो, इंटरव्यू दो। कभी कभी इंटरव्यू में फेलियर भी होगा, पर कोई बात नहीं, ट्राई करो। जो भी आपको काम में इंटरेस्ट है वो काम पे आप फोकस करो। जाओ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बट एक बार होगा, कोशिश तो करो। अपने आप को सिर्फ घर में चार दीवारी में बंद करके मत रखो। मम्मा पापा परमिशन नहीं दे रहा है, कभी ये नहीं दे रहे, वो दे नहीं दे रहा, आपका लाइफ है। आप पहले अपने माँ बाप से भी बैठ के बात करो, यही तो आपका टाइम है जहाँ पे आप अपने काम पे फोकस कर सको। चार दीवारी में रह के आप कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, दुनिया नहीं देख सकते, आपको दुनिया का समझ होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। सिर्फ शादी करना ही लड़कियों के लिए मोटिव नहीं है, शादी करने से पहले भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको अपने बारे में जानना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, ताकि आप अगर किसी के घर जाओ पहले खुद को तो संभाल लो, उसके बाद ना किसी के घर संभालोगे। नेक्स्ट, टेक केयर योर इनर एंड आउटर अपीयरेंस। हमेशा क्लीन एंड वेल ग्रूम रहना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप एकदम परफेक्ट दिखो, आपका स्किन एकदम परफेक्ट दिखे, या फिर आप 10 स्टेप स्किन केयर फॉलो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा फ्रेश एंड प्रेजेंटेबल दिखो, एंड जितना हो सके अपना सेल्फ केयर करो। अपने बजट में रह के आप जिम जाओ, ताकि आपका बॉडी भी हेल्दी रहे, आपका बॉडी एक अट्रैक्टिव बॉडी आपका दिखे, बॉडी टोन दिखे। लोग पहले आपका सूरत को देखता है, उसके बाद सीरत को। तो प्रेजेंटेबल दिखना, अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप को प्यार करो, तभी तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा। और हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और किसी के साथ कंपेयर ना करके खुद जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट, लोग क्या सोच रहे हैं इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। आप खुद के लिए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें आपको फोकस करना है। ये जो लोग होते हैं ये कभी आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे, और ये लोग आपके घर के अंदर भी हो सकते हैं और आपके घर के बाहर भी हो सकता है। अगर आपके लाइफ में ऐसा टॉक्सिक कोई लोग है, चाहे आपका कज़न हो, आपके दोस्त हो, या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, या फिर घर पे XYZ कोई भी हो, आपको अपने लाइफ से उन लोगों से दूर रहना है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त जा रहा है तेज़ी से, आप अपने पीछे कब भागोगे? सिर्फ लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज से ठान लो कि लोगों के बारे में सोचना नहीं है, खुद के बारे में सोचना है, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, खुद का टेक केयर करना है, और खुद को और अच्छे से प्यार करना है, पैम्पर करना है। और आप भी कर सकते हो, लोग क्या बोलेंगे इग्नोर करना सीखो। अगर आप भी किसी और की ओपिनियन से, जजमेंट से डिस्टर्ब होते हो, तो याद रखना लोग आपके कामयाबी के लिए आपको इनकरेज नहीं करेंगे, पर लोग आपका नाकामयाबी के लिए बहुत कुछ करेंगे। और नेगेटिव बातों को इग्नोर करने में कमजोरी नहीं है, ताकत है, जो सबकी बस की बात नहीं है। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, घंटा किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट,
और मैंने अपने लाइफ में जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं, जो सारे चीज़ें मैंने अपने इम्प्रूवमेंट में लगाया है, वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं, समरीन कर सकती है, हम लोग भी कर सकते हैं, मैं अलग थोड़ी ना हूँ, बस आप में से एक ही हूँ, आप लोग कैमरे के पीछे हो और मैं आगे हूँ। अगर कोई आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ये बोले कि आपके अंदर ये कमी है, उसी वक्त उसके मुंह में तमाचा मारो, चाहे हाथ से मारो या फिर अपने काम से। जिंदगी की रियलिटी है कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ओनली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। जब अपने ऊपर डिपेंड हो जाओगे तब आप सही से अपना सेल्फ केयर कर पाओगे, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, या फिर खुल के जी सकोगे। नहीं तो आपका लाइफ का कंट्रोल आपके फादर के हाथ में होगा, या फिर आपका ब्रदर, या फिर आपका मदर, या फिर आफ्टर मैरिड आपका हस्बैंड। क्योंकि आपका फादर का पैसा आपका नहीं है, या फिर आपका हस्बैंड, या फिर आपका ब्रदर का पैसा आपका नहीं है। कोई आपसे कुछ पैसे देता है वो अलग बात है। सो मेक योर मनी ओन, तभी तो आप डिग्निटी के साथ जी पाओगे। एंड मैं ना बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, और मेरी मम्मी तो हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट करती है, और यूट्यूब के लिए भी। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक देना। एक पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। बाय, लव यू ऑल।